श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय। सूत उवाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिसत्तमाः पुरा चोल्का मुखो नाम नृपश्चासीन् महामतिः स्वकर्तव्य परो ह्यासीत् सत्यनिष्ठो जितेन्द्रियः अवितरत् सत्कार्येषु प्रदत्त प्रचुरं धनम्। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिगण, अब आगे की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण था। श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रचुर धन दान भी करता था। तस्य भार्यापि कर्तव्य पालनेति परायण सहयोगं हि कुर्वाणा चासीत् तत्कर्मसु सदा आस्तां तौ दुदतुर्नित्यं सत्यव्रत परौ धनम् आयोजनैः प्रजाभ्यश्च सत्यस्य प्रेरणां मुदा भद्रशीला नदी तीरे ही दृश योजनै शुभे सम्मिलितो भवत् साधुर्नामा व्यापार व्यावृतः। राजा उल्कामुख की पत्नी धर्मपरायण थी और कर्तव्य पालन में राजा का सब प्रकार सहयोग किया करती थी। दोनों सत्यव्रत में बहुत निष्ठा रखते थे और सार्वजनिक आयोजनों द्वारा प्रजाजनों को सत्य धर्म की प्रेरणा दिया करते थे। भद्रशिला नदी के तट पर एक ऐसे आयोजन में साधु नामक व्यापारी भी सम्मिलित हुआ और उस आयोजन से प्रभावित होकर राजा से पूछने लगा। साधु उवाच किमर्थं क्रियते राजन् एतदायोजनं महत् लाभं चास्य प्रभावं मे कृपया वद विस्तृतम्। राजा उवाच अयमस्ते समारोहः सत्यनारायण प्रभोः सत्यव्रतस्य नित्यं च प्रसारः क्रियते मया आचारेयुः स्वयं श्रेष्ठ पुरुषाः सत्यधर्त्मना देया स्वानुभवेनापि परेभ्यः प्रेरणा सदा। साधु वैश्य ने पूछा, हे राजन, आप यह आयोजन किस लिए किया करते हैं? इसका क्या लाभ और प्रभाव है? कृपया मुझे भी सब बताइए। राजा ने उत्तर दिया, यह भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन समारोह है। मैं सत्यव्रत का पालन करता हूँ और उसी का प्रचार भी किया करता हूँ। श्रेष्ठ पुरुषों को चाहिए कि स्वयं सत्याचरण करें और दूसरों को वैसा ही करने के लिए अनुभव से प्रेरणा देते रहे। स्वीकारेण क्रमस्यास्य मम परिजनैः सह परमं शान्ति सौख्यं च युपलब्ध निरन्तरम्। साधु उवाच भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादरं सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितम् अभाव कष्टं क्षोभश्च ममाप्यस्ति स्वजीवने मुञ्चेयं शरणत्वे हि सत्यनारायणस्य च। हे वैश्य, जीवन में यही क्रम अपनाकर चलने के कारण भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे अपने परिजनों तथा प्रजाजनों सहित सुख शांति उपलब्ध है। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य विनय पूर्वक कहने लगा कि हे राजन, इस विषय में मुझे विस्तार से समझाइए। मेरे भी मन में दुख, कष्ट और अभाव रहते हैं। मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण की शरण लेकर उनसे मुक्ति पाऊंगा। राजा उवाच वैश्य धर्मः समाजस्य पदार्थानां व्यवस्थितम् अपेक्षितेन मूल्येन करोत्युत्पादनस्य च वैश्यः स्वीय समाजस्य संवर्ध्य निजर्मभिः शान्ति सौख्यं यशो भागी जायते जगति तले
पालयत्वं सत्यधर्मी स्वकीय जीवने सदा सुख सौभाग्य संपन्नो त्वं भविष्यसि वै ध्रुवम्। राजा बोले, वैश्य का धर्म समाज की आवश्यकता अनुसार शुद्ध वस्तुओं का उत्पादन और उनके उचित मूल्य पर वितरण की व्यवस्था करना है। सत्य धर्म का पालन करने वाला वैश्य अपनी तथा समाज की संपन्नता एवं सुख शांति बढ़ाते हुए जीवन में प्रचुर यश का भागीदार बनता है। तुम भी अपने जीवन में सत्य धर्म का पालन करो। भगवान सत्यनारायण की कृपा से तुम्हें भी सुख सौभाग्य तथा संपन्नता अवश्य प्राप्त होगी। ज्ञात्वा रूपं नृपात् सत्यव्रतस्य जीवने पितत् धर्तुं च कृत संकल्पस्तं संपूज्य गतौ गृहं पत्नी लीलावतीं सर्वं वृतं सो कथयत् ततः सापि व्रतं च सत्यस्य श्रद्धया पालयत् तथा भार्याया वर्धनं साधुर्ज्ञानस्य कृतवान् वणिक् सुस्थितः परिवारस्य समृद्धिश्चाभवत् खलु। राजा से सत्यव्रत का स्वरूप भली प्रकार समझकर साधु वैश्य ने अपने जीवन में सत्यव्रत पालन का संकल्प लिया और अपने घर चला गया। घर में उसने अपनी पत्नी लीलावती को सारा वृत्तांत सुनाया और वह भी सत्य धर्म का पालन श्रद्धा पूर्वक करने लगी। सत्यवती वैश्य धर्म पत्नी का ज्ञान और योग्यता भी बढ़ाने लगा। फलस्वरूप उसके घर में व्यवस्था तथा संपन्नता तेजी से बढ़ने लगी। जीविकाया महानशः प्रसाराय प्रतिश्रुतः नारायणस्य सत्यस्य लोके ताभ्यां व्रतस्य च शरणागतो हि सत्य नारायणस्यावर्धत समृद्धिर्वणिजस्तेन जीवनं यापितं मुदा संतुलने हि वित्तस्य जाते मानसिकेऽपि च कामना संततेर्जाताभ्युदयश्च तयोस्तदा। उन्होंने अपनी आय का बड़ा अंश संसार में सत्यव्रत के प्रचार में लगाते रहने का निश्चय किया। सत्यनारायण भगवान की शरण में जाने से उनके जीवन में सब प्रकार की संपन्नता आने लगी तथा जीवन का समय प्रसन्नता से बीतने लगा। उनका आर्थिक तथा मानसिक संतुलन सद जाने पर वह वणिक दंपत्ति अपने मन में संतानोत्पादन की इच्छा अनुभव करने लगे। प्राप्य स्वप्ने ही निर्देशः कन्यायाः कामनां प्रति सौभाग्यारयौश्चैवाचिह्नं सूनोरपेक्षया निर्देश दंपति प्राप्य ह्याचारं प्रतिपालितौ सुसंस्कारैश्च संपन्ना कन्या चोत्पादित सबु नामना कलावती कन्या सुसंस्कारैः समन्विता विहिता विधिना ताभ्यां खलु समयानुसारतः। ऐसी इच्छा मन में उठने पर उन्हें स्वप्न में निर्देश मिला कि वे पुत्र की अपेक्षा पुत्री की कामना करें, क्योंकि कन्या सौभाग्य और आदर का चिन्ह है। उन्होंने प्राप्त निर्देशानुसार नियमित जीवन क्रम अपनाकर एक सुसंस्कारवती कन्या को जन्म दिया। कलावती नाम की इस कन्या के शुभ संस्कार जागृत करने के लिए उन्होंने उसके सभी संस्कार समय समय पर संपन्न कराए। कलावत्या स्वहृदये देहस्य पोषणौ सह सद्ज्ञानस्य गुणानां च दत्त्वा ध्यानं विशेषतः सद्गुणानां च कन्याया विधेयं समुत्पादनं पूतं पित्रोश्च कर्तव्यं षष्ठस्त्व व्यवहारयोः यदा वयस्का सा जाता शिक्षित परिवारिणा यूना सगुणवता साकं सारव्य नवनोद्वाहिता। कलावती के लिए शारीरिक पोषण की समुचित व्यवस्था बनाने के साथ साथ उसके ज्ञान और गुण के विकास पर भी पूरा ध्यान दिया गया। कन्या को श्रेष्ठ गुण और क्षमताओं से संपन्न शिष्ट व्यवहार में कुशल बनाना माता पिता का पवित्र कर्तव्य है। कन्या कलावती के
वयस्क और सुशिक्षित हो जाने पर उन्होंने उसका विवाह एक कुलीन परिवार के गुणवान युवक के साथ संपन्न कर दिया। पुत्रवद्वणि जातेन युवकः शिक्षितस्तदा सद्धर्मस्य विधानेषु व्यापार नियमेषु च आवश्यकं पदार्थानां समये समुत्पादनं श्रमेण कौशलेनापि कर्तव्यमवधानतः स्वहितेन सह क्रेतुर्वत्स चिन्तयति हितं यस्तं रक्षत्य वहितो व्यापारी सत्य एव सः। वैश्य ने उस होनहार युवक को अपने पुत्र की तरह मानकर स्वधर्म पालन तथा व्यापार संचालन के नियम सिखाए। साधु वैश्य ने उसे समझाया कि समाज की आवश्यकता अनुसार वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन और विक्रय श्रम पूर्वक सावधानी एवं कुशलता से किया जाना चाहिए। जो वैश्य अपने हित के साथ खरीददार के हितों की भी रक्षा करता है वही सच्चे अर्थों में व्यापारी कहलाता है। उभावेवं वैश्यधर्म पालयन्तौ हि नित्यशः उन्नते लब्धवन्तौ च सहकारित्व साधनात् बहुधा चात्र साफल्यं समृद्धिर्व्यवसायिनां लक्ष्याद् भ्रंशयति नूनं तज्जातं तणिज्योऽपि सः बहुशो बोधितः पत्न्या सत्कार्येथ सद्व्ययः चोपेक्षितं तेन सर्व विस्मृतं कल्पितं पुरा। वे दोनों वैश्य धर्म का पालन करते हुए सहकारिता का निर्वाह करते हुए सतत उन्नति और सफलता प्राप्त करने लगे। सफलता और समृद्धि कई बार मनुष्य को अपने लक्ष्य से विचलित कर देती है। इन वैश्यों के साथ भी ऐसा ही हुआ। पत्नियों द्वारा स्मरण दिलाने पर भी अपनी आय का एक अंश सत्कार्यों में लगाते रहने के संकल्प की उन्होंने उपेक्षा कर दी। सद्गार्हस्थ्यान्निवृत्ते तु वानप्रस्थस्य जीवनम् धर्माचारे समाजस्य सेवायां यापयेन्नरः वैश्यस्तु धनं लोभे नाचिन्तयदधिकं धनं जामात्रा च सहान्यत्र व्यापारार्थ तु प्रस्थितः त्यागाद्धर्मस्य कार्याणां मानवे कुप्यतीश्वरः दुःख मनोभवत्येव सदा तत्कोपभाजनः। नियम तो यह है कि अपने गृहस्थ संबंधी उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर मनुष्य वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करके धर्म प्रचार तथा समाज सेवा के कार्यों में जीवन लगा दे। किंतु साधु को धन देखकर और अधिक धन का लालच हुआ तथा वह अपने जमाता को साथ लेकर धन कमाने निकल पड़ा। स्वधर्म के त्याग से भगवान रुष्ट होते हैं तथा उनके क्रोध के कारण जीव अनेक प्रकार के दुखों में फंस जाता है। साधु वैश्य सत्य धर्म विस्मृत्य ह्य विचारतः उचितं चाप्यनुचितं कृत्वा ह्युपार्जयद् मनम् रत्नसारपुरं यास्य सत्यनिष्ठैः प्रजाजनः राज्यधिकारिभः कारावद्धौ जातौ नृपेणः सह अर्धांगिन्यापि कर्तव्यं कर्तु स नानुरोधितः सापि तस्माद् भगवतो जाता च क्रोधभाजना। साधु वैश्य की सद्बुद्धि क्षीण हो गई। वह लोभवश उचित अनुचित का विचार किए बिना अनीति पूर्वक धन कमाने लगा। इस अपराध के कारण रत्नसारपुर के सत्यनिष्ठ प्रजाजनों ने उसे राज्य कर्मचारियों द्वारा बंदी बनाकर राजाज्ञा से जेल भिजवा दिया। उसकी धर्मपत्नी ने भी पति से धर्म पालन कराने के अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। इससे वह भी भगवान श्री सत्यनारायण के क्रोध का भाजन बनी। सुखोपभोग लीनस्य चाप्य सत्कर्म कारिणः सर्वा संपद गृहान्नूनं विलीनातस्य तत्क्षणात् दुःखे वास्त्यैव लाभोऽपि त्यक्त्वाहं कृतिगौरवं प्रभुं स्मरत्यनुतापं विधते पापकर्मणां ताभ्यामिन्तश्च तत्रापि ज्ञातं च दुःखकारणं
कर्तव्यस्य विरते ही चैकमेवारित केवलम्। लीलावती कलावती सुखोपभोग में मग्न होकर अपने कर्तव्यों से विरत हो गईं। इससे उनके घर की सारी संचित धनराशि विलीन हो गई। दुख आ पड़ने से एक बड़ा लाभ यह होता है कि मनुष्य अपने झूठे अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर भगवान को याद करने लगता है और उसे अपने अनुचित कर्मों पर पश्चाताप होता है। इसी प्रकार कष्ट पाने से वह साधु नामक वैश्य और उसकी स्त्री ने अपने मन में समझ लिया कि हमारी यह दुरावस्था धर्म कर्तव्य से विमुख हो जाने के कारण ही हुई है। स्वार्थ बुद्धिं परित्यक्त्वा परिशोध्य निजाम त्रुटिं परमार्थं ततः कर्तुं जातस्तु कृतनिश्चयः चंद्रकेतुर्नृपस्याग्र स्वीकृत स्वीय विस्मृतं सत्यव्रते ततो वैश्यो भूयो जन तत्प्रत्ययम्। चंद्रकेतु उवाच असामान्योऽस्ति ते वैश्य ह्यन्याये धनार्जनम् महापराधो मे राज्ये कठोरा तस्य दंडता। तब उन्होंने अपनी स्वार्थ बुद्धि छोड़कर अपनी भूलों का प्रायश्चित करने तथा अपने परमार्थ कर्तव्यों के पालन का निश्चय किया। साधु वैश्य ने राजा चंद्रकेतु के सामने अपनी भूल स्वीकार की तथा भविष्य में सत्यनिष्ठ रहने का विश्वास दिलाया। राजा ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा अपराध असाधारण है। अनीति पूर्वक धन कमाने के अपराध पर मेरे राज्य में उसका कठोर दंड दिया जाता है। धनिनो नीति कुर्वन्ति जनाश्चानुसरन्ति ताः व्यवस्था च समाजस्य भ्रष्टा भवति सर्वदा सन्ति कर्मकरा ये च मे राज्ये निखिला जनाः वारन्ति मिथो नीतिं योगेन सत्यधारिणः इत्थं प्रीतियते नूनं यूयं सर्वेनुपातकाः दीयते मन्निर्देशेन सुधारावसरः पुनः। जब विभूतिवान धनी व्यक्ति अनीति का मार्ग पकड़ लेते हैं तो जन सामान्य द्वारा भी वही राह अपना ली जाती है और समाज भ्रष्ट हो जाता है। मेरे राज्य कर्मचारी और प्रजाजन भी सभी सत्यनिष्ठ हैं तथा कहीं भी अनीति को पनपने नहीं देते। चूंकि ऐसा लगता है कि तुम सचमुच अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए तुम्हें आत्म सुधार करके सत्यव्रती बनने का अवसर दिया जाता है। अन्यान्योपार्जनं त्यक्त्वा स्वीय मूलधनेन च विधातुं च स्वव्यापारं समर्थाः सन्तु वै तथा अर्थव कृतवान् वैश्य कृपया सत्प्रभोस्तदा विपुलोपार्जनं तस्य वित्तस्य चाप्यजायत कलावत्यापि विज्ञाता लीलावत्या सह पुनः विस्मृतिः स्वीकृता पूर्व याचिता च प्रभोः क्षमा। हे वैश्य, तुमने जो अनीति पूर्वक धन कमाया है उसको छोड़कर अपनी मूल संपत्ति से तुम पुनः व्यापार आरंभ कर सकते हो। वैश्य ने राजा के कथनानुसार पुनः सत्यव्रती बनकर व्यापार किया तथा भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से विपुल धन अर्जित कर लिया। उधर लीलावती तथा कलावती ने भी अपनी भूल समझी तथा भगवान सत्यनारायण से उसके लिए क्षमा याचना की। हित्वा पूर्व विलासेन जीवन च प्रधानता सेवा सद्भावयोर्दत्ता कर्मठत्वस्य च ध्रुवम् भृत्यैरपहृतं सर्वमर्थं चानवधानतः अस्तव्यस्तं कृतं नूनं स्वायत्ते च धृतं खलु सद्भाववर्धनास्तत्र तत्परत्यस्य च पनः प्राप्तोधिकांशतेश्चार्थ जाता सत्यप्रभोः कृपा। उन्होंने विलासिता भरा जीवन क्रम छोड़कर कर्मठता हर्ष सेवा सद्भाव को जीवन में प्रधानता दी। उनकी असावधानी के कारण घर के नौकरों ने ही धन एवं सामान को अस्त व्यस्त करके चुरा लिया था। उन दोनों ने
अपना काम सुधारा, भगवान सत्यनारायण की कृपा हुई और तत्परता तथा सद्भावना बढ़ने से उनका अधिकांश धन पुनः प्राप्त हो गया। संसारेस्मिन् प्रभोरिच्छा सर्वोपरि विराजते, अवबुद्ध्येति ततः कार्य येनैव स प्रसीदति, नास्ति किमपि कष्टञ्च यन्न नश्यति सर्वथा, प्रभोरनुग्रहाल्लोके परलोकेऽपि चाथवा। इस संसार में भगवान के निर्देशों का पालन करना ही सबसे प्रमुख बात है, इसलिए मनुष्य को ऐसे ही कार्य करने चाहिए जिनसे प्रभु प्रसन्न हो। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा प्राप्त करके मनुष्य सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है और परलोक में भी उसकी सद्गति होती है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्यायः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।